Hello everyone, this is Shambhavi Mishra, watching my channel Imbibe. We are going to study the second chapter in this video, that is the components of food. Yani food ke components kya hote hain? So basically yahan pe table number 2.1 mein aap dekh sakte hain ki different जो हम मील्स खाते हैं यानी एक टाइम का जो हमारा खाना होता है वो एक मील होती है, तो डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के मील्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। जैसे पंजाब में अगर कोई आइटम ग्रेन का है तो मक्की की रोटी, आपने सुना होगा मक्की की रोटी, सरसों का साग, वेजिटेबल में सरसों का साग बनता है। और दाल का जो आइटम होता है वो राजमा या फिर किडनी बीन्स होती हैं। आंध्र प्रदेश में वहीं पे राइस जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और दाल में तुअर दाल या रसम बनती है। और वेजिटेबल्स में कुंदरू की या दोंदकाई की वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। इसी तरह घी या दही बहुत यूज़ होता है पंजाब में, जबकि आंध्र प्रदेश में बटर मिल्क घी या अचार पिकल पिकल बहुत यूज़ होता है। और इन डिफरेंट फूड आइटम्स में होता क्या क्या है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हर डिश में किसकी बनी होती है, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है, जो हमें प्लांट या एनिमल से मिला होता है। इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। और ये मेजर न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट या विटामिन के या मिनरल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और कई ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं, इन एडिशन फूड में डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, जो हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या इन सभी फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हर फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी खाना हमने पकाया है या जो रॉ इंग्रेडिएंट है उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो कुछ टेस्ट हम करते हैं, उसके लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का। इनको हम ट्राई कर सकते हैं कुछ कुक्ड फूड आइटम्स में या फिर रॉ मटेरियल्स में उनके, और उनका ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो बहुत सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनमें से जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो स्टार्च होता है या फिर शुगर के फॉर्म में होता है। तो स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले छोटा सा क्वांटिटी हम क्या करते हैं, फूड आइटम या फिर कोई जो भी रॉ इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं उस फूड को बनाने के लिए, हम उसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम पोटैटो को ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन हम जो है ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम 2 से 3 ड्रॉप उस पर आयोडीन सॉल्यूशन का डाल देंगे, और हम फिर ऑब्जर्व करेंगे अगर कलर फूड आइटम का चेंज हो जाता है, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे ऊपर एक टेबल भी बनी हुई थी जिसमें यह बताया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ या टिंचर ले लेते हैं आयोडीन का एक टेस्ट ट्यूब में, और आधा टेस्ट ट्यूब जो है वाटर फिल होता है उसमें फ्यू ड्रॉप्स या टिंचर ऑफ आयोडीन टिंचर ले लेते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं, तो हमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का मिल जाता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करते हैं 100 मिलीलीटर वाटर में।
इसी तरह कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिसोल्व करते हैं 100 ml वाटर में। इससे हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो भी हमको चाहिए होता है कॉस्टिक सोडा का मिल जाता है। हमने स्टार्च का टेस्ट कर लिया था, अब हम आते हैं टेस्ट प्रोटीन का कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने दाल पकाई हुई है और दाल में हमको ये टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ का हम एक पेस्ट बना लेते हैं और फिर उसको उस फूड आइटम को हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब होती है उसमें ले लेते हैं। उसमें 10 ड्रॉप हम वाटर का ले लेते हैं और फिर उस टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद उसमें ड्रॉपर की मदद से हम उसमें 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट का डाल लेते हैं और 10 ड्रॉप जो है सोल्यूशन कॉस्टिक सोडा का ले लेते हैं और फिर से उसको शेक करके और ये देखते हैं कि उसका कलर चेंज होता है कि या नहीं होता है। अगर वो सोल्यूशन वायलेट कलर का हो जाता है तो इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे नीचे एक टेबल बनी हुई है, टेबल 2.2, जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यहाँ पे एक फूड आइटम का लिस्ट दिया हुआ है। इसमें ये बताना है कि स्टार्च किसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन किसमें प्रेजेंट है और फैट प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल 3 का इन्होंने बता रखा है कि रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ग्राउंड नट में फैट प्रेजेंट होता है। बाकी के आप बताएंगे कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है। अब हम टेस्ट ऑफ फॉर स्टार फैट्स पढ़ते हैं। इसमें हमको क्या करना होता है कि थोड़ा सा क्वांटिटी फूड आइटम का हम ले लेते हैं, उसको एक पीस ऑफ पेपर में रैप करके और क्रश कर देते हैं। अगर ऐसे करेंगे कि पेपर वो फटे ना, और जब हम उस पेपर को स्ट्रेट करते हैं तो हमको कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है, एक ऑयली पैच सा देखने को मिलता है। वो ऑयली पैच ये बताता है कि वहाँ पे ऑयल का उस चीज़ में प्रेजेंस है या नहीं है। अगर वो ऑयली पैच ऑफ पेपर, उसको क्या करते हैं हम, जो पेपर है उसको सुखा लेते हैं थोड़ी देर धूप में रख के। अगर वो सूख जाता है और कोई ऑयली पैच हमको नहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब कि वो फैट नहीं था। और अगर ऑयली पैच फिर भी रह जाता है, अगर रिमेन करता है, तो इसका मतलब कि उसमें फैट प्रेजेंट है, कंफर्म है। अब हम आते हैं धीरे धीरे, जैसे कि कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं फूड में, ना कि केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये न्यूट्रिएंट्स करते क्या है हमारी बॉडी के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट हमको ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ आप डायग्राम्स देख रहे होंगे जहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि स्वीट पोटैटो है, शुगर केन है, पपाया है, मेलन है, मैंगो है, मेज़ है, बाजरा है, राइस है, वीट है। तो ये सारे जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। यहाँ नीचे जो दिए हुए हैं 2.4 में, ये सोर्सेस ऑफ फैट्स हैं। कुछ प्लांट सोर्स हैं, कुछ एनिमल सोर्स हैं, जैसे एनिमल्स से हमको बटर, घी, मीट, मिल्क, क्रीम, फिश, एग्स, ये सब मिलते हैं। और प्लांट सोर्स से हमें सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जितने भी ऑयल्स हम यूज़ करते हैं फॉर वेजिटेरियन खाना कुक करने के लिए, वो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। अब जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, तो ये हमको ग्रोथ और रिपेयर के लिए काम आते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी बॉडी में रिपेयर के काम आते हैं, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी जो आईज़ है, बोन्स हैं, टीथ हैं, गम्स हैं, उनको हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट तरह के उनके नाम होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो कुछ ग्रुप ऑफ विटामिन्स होते हैं जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
और ये जो विटामिन्स होते हैं ये भी हमको रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को इनकी। विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी वो हमारी स्किन को और आईज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है वो हमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिजीज़ से फाइट करने के लिए, जैसे कि स्कर्वी है वो विटामिन सी डिफिशियंसी डिजीज़ है। विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है हमारी बोन्स और टीथ को मजबूत करने के लिए, वो कैल्शियम यूज़ करता है। विटामिन डी जो है रिकेट्स जो है डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो। कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, और हर हर मिनरल इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कुछ डाइट्री फाइबर्स भी हमको और वाटर भी चाहिए होता है। इन डाइट्री फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। रफेज जो है वो मेनली क्या करता है, प्लांट प्रोडक्ट्स से आते हैं मेनली, और जो होल ग्रेन्स होते हैं या जो पल्सेस होती हैं, पोटैटोज होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एसेंशियल होता है इस जो है हमारी फूड के लिए, और जो है ये हेल्प करता है कि हमारी जो भी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे बचत करने के लिए। अब यहाँ पर आप एक कुछ डायग्राम देख रहे होंगे, कुछ सोर्सेज ऑफ आयोडीन हैं जैसे कि जिंजर है। आयोडीन मतलब वो वाला आयोडीन नहीं जो हमने टेस्ट में इस्तेमाल किया था कार्बोहाइड्रेट के, यहाँ पे ये आयोडीन है। मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं तो कुछ सोर्सेज हैं आयोडीन के, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट मेजर सोर्स है। जिंजर है, यहाँ पे कुछ फिशेस दे रखी हैं। उसके बाद कुछ सोर्सेस फॉस्फोरस के भी दे रखे हैं, जैसे बनाना है, बनाना मेजर सोर्स है। मिल्क है, ये भी मेजर सोर्स है। मिर्चियाँ हैं देखिए यहाँ पे रखी हुई। उसके बाद कुछ सोर्सेस हैं आयरन के, मीट हो गए, एप्पल हो गया, स्पिनच हो गया, पियर हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं या कॉमन सोर्सेस हैं आयरन के। उसके बाद कुछ सोर्सेज हैं कैल्शियम के भी, जैसे मिल्क और एग। अब वाटर हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होता है? वाटर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है खाने से, और ऑल्सो हमारी बॉडी में जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। अब हम आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो हमारी बॉडी को खाना रोज़ रोज़ बहुत एसेंशियल होता है, और खाना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चावल हम खा रहे हैं या सिर्फ दाल हमने खा लिया हमारा खाना हो गया। प्रॉपर जो राइट क्वांटिटीज़ होती है खाने की वो हमें चाहिए होती है, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। हमारी डाइट जो है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ऐसी ही डाइट को अगर ऐसी डाइट हम खाते हैं जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर से हैं, राइट क्वांटिटी में हैं, और अच्छा अमाउंट रफेज और वाटर का भी है, तो ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हम आते हैं कि राइट काइंड ऑफ फूड जब हम खाना चाहिए हमें, और अगर हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं तो हमें कई सारी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि खाना जो है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, और इस प्रॉपर खाना कुक होने की वजह से कई सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कई बार वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम वॉश करते हैं, उन्हें छील देते हैं, उन्हें पील कर देते हैं, इसमें भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो है या विटामिन्स का जो है लॉस हो जाता है। जो स्किन होती है वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, उनमें भी कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लगातार हम जो चावल और दाल अगर धोते हैं तो उनमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स धुल जाते हैं उनके साथ साथ। उसके बाद खाने को भाई अच्छा टेस्ट आए खाने में, तो हमें उसे अच्छे से पकाना भी ज़रूरी है, जिससे वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है हमारे स्टमक में जाके। लेकिन कभी-कभी ये डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि कई सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। विटामिन सी जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट के, अगर हम हीट करते हैं
खाना पकाते टाइम जब हम हीट करते हैं उसमें विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है। इसका मतलब कि टमाटर अगर हमने सब्जी में डाल दिया और उसे हीट कर दिया तो विटामिन सी उसका किसी काम का नहीं है। अब हम आगे आते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक बच्चा है बूझो। बूझो क्या करता है, उसको ये पता होता है कि फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, तो बूझो क्या करता है, वो फैट रिच फूड ही खाता रहता है, जैसे कि समोसे हो गए या फिर फ्राइड चीज़ें हो गई या पूड़ी हो गई, स्नैक्स हो गई, मलाई हो गई, रबड़ी हो गई, ये सब चीज़ें। और टू मच फैट रिच फूड्स खाने की वजह से उसको ओबेसिटी हो जाती है। तो ओबेसिटी एक सफरिंग है, एक कंडीशन है, एक डिज़ीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फैट खाने की वजह से होता है। डिफिशियंसी डिजीज़ नेक्स्ट हेडिंग है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा है खाने को, या फिर ऐसा खाना मिल रहा है जिसमें उसको पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिल रहा है, और ये चीज़ कंटिन्यू रहती है अगर ज़्यादा देर टाइम तक के लिए, तो उस इंसान को डिफिशियंसी हो सकती है। ये डिफिशियंसी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकती है। ऐसी ही डिजीज़ेस को डिफिशियंसी डिजीज़ेस कहते हैं। वो डिजीज़ेस जो किसी न्यूट्रिएंट के कमी की वजह से हो सकती है, ऐसे डिजीज़ेस को डिफिशियंसी डिजीज़ेस कहते हैं। अब हम आते हैं कुछ, यहाँ पे विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी डिजीज़ेस दे रखी हैं, जैसे कि विटामिन ए है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी होती है हमारी डाइट में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी डाइट में विटामिन ए नहीं है तो हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, बहुत लिटिल एनर्जी हमारी बॉडी में होती है। विटामिन सी मैंने बताया था, स्कर्वी। स्कर्वी में गम्स जो है हमारे वो ब्लीड करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको हील होने में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें क्या होता है हमारे बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट हो जाते हैं, हम प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाते हैं, हम प्रॉपरली कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन और टूथ हमारे डिके होने लगते हैं, बहुत कमज़ोर बोन्स हो जाती हैं, टूथ भी हमारे डिके होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। आयोडीन जो होता है उसकी कमी की वजह से गोइटर होता है, जो हमारे स्वॉलन एरिया जो नेक पे कभी देखा होगा अगर आपने तो किसी को, तो नेक पे अगर स्वेलन एरिया हो जा स्वेलन हो जाता है या ग्लैंड्स उनकी जो है वो स्वेलन हो जाती हैं वहाँ की, तो गोइटर कहते हैं ऐसी डिजीज़ को। और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है बच्चों में अगर आयोडीन की कमी है उनकी डाइट में। तो आयरन की कमी की वजह से अनीमिया होता है, अनीमिया से वीकनेस आ सकती है इंसानों में। तो इसीलिए हमारी मील में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जो भी चाहिए होते हैं वो मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफिट्स, कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन्स। अगर इनमें से कोई भी वर्ड या कीवर्ड आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे छूट गया है या मैंने नहीं समझा है या आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।